मोहब्बत के बाजार पर नफरत वालों के खिलाफ वोट करा। मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, हमें कभी भी जाति धर्म इन सब पे नहीं देखना चाहिए। मतदान की हत्या हो जाए तो फिर हम कहाँ होता है, सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का है। अगर ईवीएम ना ही रहे और डायरेक्ट वॉल पेपर से वोट हो तो अच्छा है। प्रधानमंत्री जो काम किए हैं कुछ काम सही किए हैं, कुछ काम समय में नहीं आता है। प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, सड़क बढ़िया बनवा रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मोदी बढ़िया है। वैसे जैसे अब ये चल रहा है बहुत सालों से कि भाई आप हिंदू में मुसलमान वो ये, तो ये सारा सब कुछ ठीक, देश की तरक्की के लिए नहीं हो सकता। ये जो नेता लोग हैं ये तो सिर्फ अपने पार्टी अपने वोट के लिए अपने कुर्सी के लिए ये सब बात बोलते हैं, लेकिन हम आम आदमी जनता को ये सब बहकावे में नहीं आनी चाहिए। बड़ा बेटा एमटेक है, छोटा आर्किटेक्ट है, बेटी प्रोफेसर है, छोटी टीचर है, उससे छोटी भी प्रोफेसर बन रही है, किसी को भी एक कुछ सरकारी जॉब मिलेगी। पता नहीं कि ऐसा हम मुसलमान के साथ है क्या। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए तो ये इंसान बुरा है। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग में हैं, ओखला विधानसभा क्षेत्र लगता है, और यहाँ से कुलदीप कुमार और दूसरी तरफ हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शाहीन बाग में हम लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, किस तरह की सरकार चाहिए, क्या इनके जो 2019 में जब वोट किया था तो कौन से वादे पूरे हुए, कौन से वादे बाकी हैं। जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनके उनके विषय को जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ज़दार हुसैन। ज़दार साहब वोट कर लिया आपने? जी हाँ कर लिया। अच्छा, एक बार वोट वो उंगली दिखा दीजिए, अपील कर दीजिए लोगों से कि भाई घर से बाहर निकलो वोट करो। आप सब लोग भी, ये आज एक त्यौहार की तरह दिन है जो सारे के सारे लोग आप लोग वोट डालने ज़रूर निकले, ये अपना हक है, अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए जी। अच्छा, जब आपने वोट किया तो जब आप ईवीएम तक गए तो आपके जहन में क्या मुद्दा रहा? एक तरफ तो आपके यहाँ हर्ष मल्होत्रा हैं, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार हैं, तो किस तरह का कैंडिडेट आप देख रहे हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे चुनाव को लेकर? कैंडिडेट नहीं, पार्टी जो है सिर्फ वो आम आदमी पार्टी और यही हमारा मुद्दा अगर है तो कुछ है वो ईवीएम को। ईवीएम अगर हमारा सही है तो सब कुछ सही है, बाकी अमीरी गरीबी और ये सब चलता रहता है, कोई वो नहीं है। लेकिन जब हमारा हक ही छिन जाएगा तो आगे हम वोट कहाँ करेंगे? जब हमसे हमारा हक ही नहीं मिलेगा, जब हमारी गड़बड़ी रहेगी, फिर वो कुछ हमारा वो ही नहीं रहेगा। कल के दिन हमारा एक तरह से समझ जाए कि हत्या हो जाएगी, मतदान की हत्या हो जाए तो फिर हम कहाँ वोट डालें? सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का है। अगर ईवीएम ना ही रहे और डायरेक्ट वॉल पेपर से वोट हो तो वो अच्छा है। ईवीएम को लेके हम लोग एक तरह से दहशत और हताश में रहते हैं कि ये ऐसा ना हो कि इसका गला घोट दिया जाए, बस और कोई मुद्दा नहीं है। और बस आम आदमी पार्टी मेंबर कोई हो और वो कोई उससे कोई मतलब, इसलिए कि इसने काम किया। शुक्रिया सर, क्या नाम हुआ आपका? वाजिद हुसैन। वाजिद साहब वोट कर दिया आपने? जी। सर किन इश्यूज पर आपने वोट किया जब ईवीएम तक गए होंगे? 2019 में वोट किया होगा तो कुछ सोचा होगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हुई, फिर इस बार आपने वोट किया और वो उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए या नई चीज़ें लाने के लिए, पुरानी चीज़ें कुछ आपको बेहतर लगी हों या बेहतर ना लगी हों, कुछ अपनी बात रखें। मेनली तो डेवलपमेंट में वोट करते हैं हम, तो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, उन्हीं पॉइंट पर किया है। डेवलपमेंट एजुकेशन ठीक है, डेवलपमेंट तो एक शब्द हो गया, उसके बीच में आप क्या देखते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं कि क्या चीज़ें पूरा होने चाहिए? जैसे डेवलपमेंट में सड़कें भी आती हैं, डेवलपमेंट में स्कूल भी आते हैं, डेवलपमेंट में अथॉरिटी भी आती है, हॉस्पिटल भी आता है। मेन एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन होगी ना तभी आदमी समझ भी पाएगा डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा क्या होता है। मेन एजुकेशन अच्छी होना चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद जो है हेल्थ है। और जो यहाँ के इशूज़ हैं आपके शाहीन बाग के लोकल इशू, चूँकि सबसे पहले तो कैंडिडेट देखा जाता है ना, हर्ष मल्होत्रा हैं आपके यहाँ, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार हैं जो इंडिया गठबंधन की ओर से हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो मेन इश्यूज़ क्या हैं आपके शाहीन बाग के जो पूरे होने चाहिए जो नहीं हुए अभी तक? चूँकि आप लोग तो अपने क्षेत्र में वोट देंगे ना, या फिर सीधा प्रधानमंत्री को देख रहे हैं? यहाँ पर तो अभी ना सीवेज वगैरह प्रॉपर नहीं है, रोड्स और सीवेज है, तो इन पर ज़्यादा होना चाहिए आदमी का, चूँकि आदमी अभी कभी जाओ ना बरसात वगैरह में काफ़ी गंदगी हो जाती है, और वैसे भी थोड़ा सा इलाका ऐसा माना जाता है कि ये गंदा रहता है, तो जो हमारी सफाई सुथराई है ना वो उस पर मेन होना चाहिए। बाकी इशूज़ तो आदमी जाके दूसरी जगह, जैसे हेल्थ है आप कहीं जाके दिखा होगा हॉस्पिटल में, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ सफाई सुथराई होना चाहिए मेन, तो
तो मेनली ये इश्यूज़ हैं कि थोड़ा सा यहाँ रोड्स भी जो है जो कि बहुत नैरो रोड्स हैं, तो उनमें जो है सड़कें वड़कें भी थोड़ी कमी है। मैं देखता हूँ मेन में सीवेज की प्रॉब्लम बहुत है। राष्ट्र के स्तर पर सर कुछ सुधार, राष्ट्र स्तर पर अगर आप चाहें कि कुछ सुधार। मैंने एजुकेशन है, वो कहा एजुकेशन हेल्थ है, क्योंकि आदमी की एजुकेशन होगी तो पढ़ा लिखा हो समझ में आएगा कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं, क्या है, क्या चीज़ नहीं। दूसरा हेल्थ इश्यूज आते हैं, कुछ गरीब होते हैं वो नहीं पहुंच पाते ऐसी जगहों पर जहां वो अपनी जान बचा सकें, तो सेकंड आता है हेल्थ। लेकिन मेन है इसकी एजुकेशन जो है, एजुकेशन आदमी को प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो एजुकेशन में आप देखो ना कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, अब यहाँ दिल्ली में तो चलो बड़ा ये NCR है, लेकिन छोटे शहरों में आप छोटी जगहों पर जाओ ना, वहाँ एजुकेशन बहुत अभी ख़राब है, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। मेन अगर एजुकेशन पे हो जाए तो बाकी चीज़ें देखिए उसी से लिंक होती हैं, है ना। आप पढ़े लिखे होंगे, आपको पता होगा मुझे क्या करना है, आपको कुछ पता ही नहीं है आपको क्या करना है। मेन तो मैं एजुकेशन मानता हूँ, उसके बाद हेल्थ है, डेवलपमेंट में अपने सड़कें उड़के कह दिया ये सब होना चाहिए, ब्रिजेज और ये, लेकिन मैं मेन मानता हूँ एजुकेशन, आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद मुशीर। वोट कर दिया आपने? अच्छा, एक बार दिखा दीजिए अपना वोटिंग, और एक बार अपील कर दीजिए लोगों से कि आप लोग भी घर से निकले वोट करें। सबसे अपील है कि सब कोई अपना अपना घर से निकले। अच्छा, आपके यहाँ एक तरफ हर्ष मल्होत्रा हैं, दूसरी तरफ जो है कुलदीप कुमार हैं, क्या इशू है, किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए, या सीधे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं आप? नहीं, कैंडिडेट तो ऐसा चाहिए भाई कि जिसपे काम हो, ठीक है, रोजगार चाहिए, इसके अलावा क्या है, रोजगार बहुत ज़रूरी है जी। तो 2019 में जब आपने वोट किया था तब एक चीज़ थी, और अब दोबारा से वोट कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर जैसा था सब बढ़िया चल रहा है, क्या लगता है? चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं। किन विषयों पर बदलाव चाहिए आपको, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हुई या क्या? रोजी रोजगार पे। अच्छा। जी जी। अच्छा। और अगर प्रधानमंत्री के स्तर से देखें, अगर राष्ट्र के स्तर से देखें, तो आपके लिए कुछ क्या चीज़ें बेहतर हो पा रही हैं, बेहतर नहीं हो पा? प्रधानमंत्री जो काम किए हैं, कुछ काम सही किए हैं, कुछ काम समय में नहीं आता है जी। जैसे अगर आप बता सकें क्या सही किया है उन्होंने? जो भी वादा किया है सब वादा खिलाफ़ी किए हैं। अच्छा। जी। जैसे क्या? बहुत सारी है, मतलब एक आध दो, कोई एक आध दो गिना दीजिए। वादा किए थे 15 लाख का, वो दिए ही नहीं। अच्छा। बहुत सारे रोजगार का वादा किए थे, वो रोजगार मिला ही नहीं। हाँ, बहुत सारे मतलब दिक्कतें हैं, तो हम तो बदलाव चाहते हैं। अच्छा। जी। और बाकी ये जो आपको एक आरोप लगाता है विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन बना है अभी, वो आरोप लगाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब भाई एकता चारा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मामले में तो कोई वोट वाला सिस्टम नहीं है कि वोट ये सब सोच के नहीं दिया जाए? मुसलमान की राजनीति नहीं इसमें, है ना? नहीं, इसमें विकास के नाम पर आदमी वोट दे रहा है और रोजी रोजगार के। अच्छा। जी। क्या करते हैं आप? हमारा अपना कारोबार है। जी। सब कारोबार बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका। सर वोट कर दिया आपने? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कृष्णा भाई, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप यहाँ शाहीन बाग में? आप वोट डालने आए हैं, क्या इशूज़ होने वाले हैं आपके? आपके एक तरफ कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा हैं, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं? अगर बदलाव चाहते हैं तो किन चीज़ों पर बदलाव चाहते हैं, या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? नहीं, अभी जो भी सही चल रहा है, जिसको भी चल रहा है बढ़िया ही है। अच्छा। जी जी बिल्कुल। क्या करते हैं? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? जी जी। गाड़ी में कहते हैं कि पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा हो गया है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, आपको सब पहले ऐसा बढ़िया लग रहा है? नहीं, पहले आप महंगा के तौर में तो महंगाई भी होगी, देखो सस्ता जो गवर्नमेंट डिफाइन करता है, कोई भी गवर्नमेंट आए सस्ता कर दे जो कि हमारा काम चल सके, हमारा ये कहना है। अच्छा। जी, कोई भी सरकार है, कोई भी आए, नेक्स्ट टाइम जो आएगी राहत दे सब, जो भी आएगी। जी, तो अभी सब ठीक चल रहा है? हाँ, अभी तो सही है। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? जी मनसब है मेरा नाम। मनसब, आपने वोट कर दिया? जी कर दिया। अच्छा, एक बार वो दिखा दीजिए, इंक दिखा दीजिए शाही अपनी, और अपील कर दीजिए कि आप लोग भी घर से बाहर निकले, वोट डाल के आए। तो किन मुद्दों पर वोट किया आपने? आपके यहाँ कैंडिडेट के नाम पर किया है या सीधा ऊपर देख रहे हैं कुछ प्रधानमंत्री वगैरह? प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, सड़क बढ़िया बनवा रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मोदी बढ़िया है वैसे। अच्छा।
कुछ बताइए क्या काम अच्छे लगे आपको, कि या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो होना चाहिए। हम 2019 में जब आपने वोट किया होगा तब आपके मन में होगा कि भाई ये चीज़ पूरी नहीं हुई, अब ये भी हो जाए, या 2024 में आ रहे हैं तब वो पूरी हो गई थी लेकिन ये वाली बच गई, ये वाली पूरी हो जाए, कुछ ये चीज़ डेवलप हो जाएगा। अब देश का डेवलप करेगा मोदी, करेगा डेवलप, बस जी बस। डेवलप में क्या डेवलप करेगा भाई? अरे वैसे अब इतना अब हमें ज़्यादा पता नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, कोई क्या नाम है सर? सईद अहमद खान जी। वोट कर दिया आपने? कर दिया। किन मुद्दों पर साहब वोट कर रहे हैं? वोट करा है मोहब्बत के बाजार पर, नफरत वालों के खिलाफ वोट करा, ताकि देश की अमन और चैन जो है बकाया रहे, फिरका परस्त पार्टियों से छुटकारा मिल जाए, इस पर वोट करा। फिरका परस्त पार्टियां जैसे कि आप चलिए किसी को भी कह रहे हैं उससे हमसे मतलब नहीं है, मगर क्या लगता है आपको कि भाई देश में क्या धार्मिक मामलों में उल्टी सीधी चीज़ें फैलाई जा रही हैं? आपको लगता है कि मोहब्बत नफरत फैला रहे हैं वो पार्टी देश की दुश्मन है, और सेकुलर पार्टी जो हैं जो सबको साथ लेके चलने वाली हैं वो देश के भले में है, फायदे में है, समझे? वोट तो वो नफरत डाल के ले लेंगे लेकिन देश का जो है ना वो बहुत ख़राब होगा भविष्य, समझ गए? इस पर वोट करा हमने। एक तो हो गया कि भाई नफरत को लेकर के आप कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आप नाम ले रहे हैं कि भाई वोट कर देंगे, लेकिन और भी तो सारी चीज़ें हैं ना, कि जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है, आप बताते रहिए। बेरोजगारी भी है, दूसरा जो है समझे, रोजगार नहीं है, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, तरह तरह के जो टैक्स लगा दिए, समझे? और जो है इस सरकार ने जो दुरुपयोग जो है ना अपने उसका प्रशासन का बहुत दुरुपयोग कर रही है, समझे? जो कसूरवार है उन्हें तो पकड़ना चाहिए, लेकिन जो बेकसूर है उन्हें खामखा फंसा रहे हैं। तो शाहीन बाग में क्या बदलाव चाहते हैं आप? एक तो दो चीज़ें पूछूंगा आपसे, एक शाहीन बाग में क्या बदलाव चाहते हैं, और एक हमारे प्रधानमंत्री जो मौजूदा वक्त में 2014 से, उनको किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री जो है ना वो एक मुखौटा है, उनके जो नीचे है ना वो फिरका परस्त जो है ना वो बहुत लोग सही नहीं है, उनको वो रोकते नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री हम ऐसा चाहते हैं जो सबके फायदे का हो, सबके भले का हो, हर हिंदुस्तानी के, एक अरब 40 करोड़ के जो है लोगों के भला चाहने वाला हो, सबका दर्द जो है ना दिल में रखने वाला हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोगों ने वोट कर दिया? अच्छा, क्या नाम हो मैम आपका? नगमा। नगमा जी, किस विषय, फर्स्ट टाइम वोटर या सेकंड टाइम? सेकंड। सेकंड टाइम वोटर, किन विषयों पर आपने वोट किया, क्या इश्यूज थे आपके मन में? मेरे मेन मुद्दे वही होते हैं, एजुकेशन होती है, लोगों को अच्छा खासा एजुकेशन मिल सके, जो पैसे हैं उसमें उनको हेल्प हो सके, जो अमीरी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ पे मैंने दिया है। महंगाई कम हो उस चीज़ पे दिया है, पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उन सब पे दिया है कि डेवलपमेंट हो सके, बेसिकली हर तबका जो है वो डेवलप हो सके, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अमीर है वही डेवलप हो सके, हम जो मिडिल क्लास है हम भी डेवलप हो और हमसे जो नीचे है वो भी डेवलप हो, क्योंकि जब सब डेवलप होंगे तभी एक कंट्री डेवलप कहलाती है। यहाँ एक सवाल, अगर यूथ कोई, वैसे तो मतलब अगर आप किसी उम्र दराज इंसान से आप सवाल करेंगे तो अपने अपने हिसाब से जवाब देता है, मगर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में शाहीन बाग आगे बढ़ा, हमने देखा कि शाहीन बाग एक ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि उसका नाम जो है विश्व के नक्शे पर आ गया, और वो प्रोटेस्ट हुआ CA को लेकर के, है ना, और उसमें पूरी तरह से एक जो दो चीज़ें, दो नाम लिए जा रहे थे, वो एक हिंदू एक मुसलमान तरीके, जब भी चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं कि मामला थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है। कितना बेहतर लगता है आपको ये चीज़, और कितना ज़्यादा आपको लगता है कि ये बहुत नाजायज़ चीज़ है, चुनावों में मुद्दों से हट के हम इन चीज़ों पर बात करने लग जाते हैं, हमारी सरकार इन चीज़ों पर बात करने लग जाती है, प्रधानमंत्री तक जो है एक धार्मिक मामलों पर बयान देने लग जाते हैं, क्या लगता है आपको? बींग एन एजुकेटेड गर्ल, मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, हमें कभी भी जाति धर्म इन सब पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इक्वालिटी है, आप किसी को भी
वो नहीं कर सकते कि वो छोटी जात का है या कहाँ पे वो पैदा हुआ है, आप उससे उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो मेरे हिसाब से सब इक्वल हैं और हमें मेन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, और फिर कास्टिज्म नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसान जब कास्टिज्म करता है तो वो उसी में फंस जाता है और जो मेन मुद्दे हैं वो उससे भटक जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग जो हैं जो इन चीज़ों पे बेसिकली जो इन चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं वो शायद ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए वो धर्म को मेन मुद्दा रखते हैं कि हम इस धर्म के हैं, सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जो दूसरा मुद्दा है, महंगाई है, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती है। लोग अपने धर्म पे ही गुरूर करने लगते हैं कि सरकार हमें बचा रही है, सरकार हमें बचा रही है, बट सारी चीज़ें धर्म के हिसाब से नहीं चलती। हमें जो तीन चार चीज़ें बेसिक चाहिए होती है वो ज़रूरी होती है, उस हिसाब से हमें वोट करना चाहिए। ह्यूमन एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बींग अ एजुकेटेड गर्ल आई वॉन्ट कि जितने भी लोग हैं वो सब एजुकेट हो, सबको अपने राइट पता चले, क्योंकि जब आपको अपने राइट ही पता नहीं चलेंगे तो आप लड़ेंगे किस खिलाफ पे। ठीक है, मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे राइट हैं ये, ठीक है, तो मैं किस हिसाब से फिर लड़ूंगी? मुझे लगेगा मेरे साथ जो हो रहा है वो शायद सही हो रहा है, क्योंकि जो मुझसे बड़ा वाला है उसके पास ये अधिकार होंगे, बट उसे ये नहीं पता कि हम सबके पास सेम अधिकार होते हैं। जी, थैंक यू सो मच नगमा। थैंक, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इरफान है जी। इरफान, इरफान भाई वोट कर दिया? हाँ। अच्छा, चलिए, किन इश्यूज़ पर वोट किया आपने, क्या मुद्दे आपके जहन में थे जब वोट करने गए अभी थोड़ी देर पहले? थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, आइए थोड़ा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के इधर पुलिस पीछे की तरफ कर रहे हैं बूथ से जी। कुछ और लोगों से हम बात करने को। सर आपने वोट कर दिया? सर आपने वोट कर दिया? अच्छा, चलिए आपका नहीं करते हैं। आ जाइए भाई, आप आ जाइए, आ जाइए। अरे आपसे बात कर रहे थे जी, तो आपसे पूछ रहे थे किन इश्यूज़ पर वोट कर रहे थे आप? वही विकास का मसला है। मैंने तो देखो, विकास ही होता है मैंने। अच्छा, बाकी ये है कि जो चल रहा है इस टाइम पे, रोजगार वगैरह है जो भी है अपने, ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गरीब आदमी तबके जो नीचे तबके के लोग हैं वो पिछते चले जा रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं वो अपने ऊंचे होते चले जा रहे हैं थोड़ा सा। और हमारे प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए इन बातों पे, वो बात नहीं करनी चाहिए जो क्या पब्लिक के समझ में ना आए। वो छीन लिया, भैंसे छीन ली, ज़मीन छीन ली, कौन किसकी छीनता है, कौन किसकी सरकार छीनती है? कोई किसी की सरकार छीनती है? इतनी सरकारें पहले भी आई, पहले भी चली गई, किसी ने कुछ नहीं छीना। तो फिर ये चीज़ें कभी नहीं कहनी चाहिए ये बात, और इतना बड़ा देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये बात उनको इतना नहीं बोलना था। थोड़ी सी पब्लिक में थोड़ी सी ये भी नाराज़गी है, और बाकी जो होगा देखा जाएगा जैसे भी होगा। ओके, और कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे वोट कर दिया आपने? जी वोट कर दिया। किन मुद्दों पर सर वोट किया आपने? यही पढ़ाई ज़रूरी है, बच्चों की एजुकेशन का मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देश की खुशहाली के लिए क्या है, अमन और सुकून बना रहे ज़िंदगी में, बस इससे बड़ा और क्या मुद्दा हो सकता है। तो अमन और सुकून कहाँ पर बिगड़ रहा है साहब, अगर बना रहे तो जी? नहीं, वैसे जैसे अब ये चल रहा है बहुत सालों से कि भाई आप हिंदू में मुसलमान वो ये, तो ये सारा सब कुछ ठीक, देश की तरक्की के लिए नहीं हो सकता, ये देश की तरक्की के लिए नहीं हो सकता, इसकी जो ज़रूरत है भी नहीं। अब तो लोगों को काम की ज़रूरत है और नए बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत है, तो इस करके मैंने वोट किया। सर वक्त में सरकार बोलती है कि हमने रोज़गार दिए हैं जी, और दूसरी तरफ से एक विपक्ष है जो इंडिया गठबंधन बन के तैयार होता है, वो कहता है कि लोग बेरोज़गार हैं, मगर रोज़गार की बात करती है सरकार। सर वो ज़मीनी स्तर पर तो नहीं लगता मुझे कोई काम हुआ है, ये सिर्फ आपके मीडिया में चलता है, वो भी कुछ मीडिया चलाता है, उसे आप कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर है, ये सच्चाई है, इसे आप नहीं नकार सकते। एक प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं, एक सीधा सा सवाल? नहीं, वो अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उसके लिए कुछ नई टिप्पणी करूँगा, जो भी होता है जिसके ऊपर, जैसे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि सही रिपोर्ट दिखाएं और सही रिपोर्टिंग करें, तो वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी की टीम तो नहीं करती ना अपनी जगह काम, ये सारी चीज़ें। शुक्रिया। एक मिनट, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रज़िया खातून है। रज़िया जी, आप कुछ बोल रही थी अभी? हाँ, मैं ये कह रही थी, हमने अपने बच्चे पढ़ाए, पांच बच्चे, पांचों हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, बड़ा बेटा एमटेक है, छोटा आर्किटेक्ट है, बेटी प्रोफेसर है, छोटी टीचर है, उससे छोटी भी प्रोफेसर बन रही है, किसी को भी एक कुछ सरकारी जॉब नहीं मिली, पता नहीं कि ऐसा मुसलमान के साथ है क्या?
बस ये कहना था। आपको मतलब ये लगता है लिटरली कि जो नौकरियों में भी अगर जो समस्या आ रही है वो मुसलमानों के साथ आ रही है? जी बहुत ही भावना है बेटे, मेरी बेटी ने बच्चे ने भी कई जगह दिए एमसीडी में भी उसमें भी, पर जो उसके दोस्त थे उनका आ गया, मेरे बेटे का नहीं आया आर्किटेक्ट का। और मेरी बेटी भी प्रोफेसर है, बीएससी एमएससी बीएड एमएड एमएस साइकोलॉजी एजुकेशन से पीएचडी 8 साल से जॉब कर रही है, अभी हर साल अप्लाई करती है, एक बार भी नहीं है। और कोई इशूज़ आपके? चूँकि हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, हम आपके जॉब जो बात एससीआईटी में प्रोफेसर है पर प्राइवेट है, सरकारी में नहीं आया उसका। तब के सब ये कहते थे ये बहुत अच्छी है काम करने में कि इसकी आ जाएगी, पर कहती अम्मी जो मेरे से नीचे हैं उनकी आगे मेरी नहीं है। पता नहीं ऐसे ही इन भावना बहुत है बेटे। क्या हम मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं हैं? हम मुसलमान भी तो हिंदुस्तान के हैं ना बेटे। अगर बच्चा काबिल नहीं है तो समझ में आती है, जब बच्चा काबिल है तो उसे तो देखना चाहिए। नहीं बस यही शिकायत थी बेटे और कुछ नहीं, हमने तो बढ़ चढ़ के मोदी का साथ दिया बेटे। अब बदलाव चाहते, अब हम ये चाहते हैं कि हमें भी इसी नज़र से देखा जाए जैसे दूसरे को नज़र से देखा जा रहा। थैंक यू। कुछ और लोगों से कोशिश करेंगे बात करने की। वोट कर दिया आपने? किन मुद्दों पर सर वोट किया आपने? मुद्दे तो बहुत से हिंदुस्तान के अंदर, कौन कौन से बताएं ये तो आपको भी पता। जो इच्छा आपके जहन में, चूँकि एक तरफ से आदमी चोट नहीं खाता ना, बहुत तरफ से खाता। मुद्दा तो यह है कि जितने नौजवान बेरोजगार हैं हिंदुस्तान के अंदर, नौकरी नहीं है उनको, और जितने बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं उनके जो पेपर हैं वो वीक कर देते हैं, और उसके बाद जो है फिर 5 साल उनके बेकार चले जाते हैं पढ़े लिखों के, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार ही हो गए आज के टाइम में। बेरोजगारी बहुत है, हद से ज़्यादा बेरोजगारी है, और जब रोजगार नहीं है तो हर आदमी परेशान है। बस इन्हीं मुद्दों पर हमने तो वोट किया। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सोचते हैं, या फिर जो आपका लोकल इशू है शाहीन बाग में आप रहते हैं तो यहाँ के कुछ लोकल इशू होंगे, क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जो है चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार और इंडिया जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, इन पर भरोसा जो है ना लोगों का ख़त्म हो गया। इनके बयानात हिंदुस्तान के लिए गलत हैं, जो ये बोलते हैं ना सारे इनके मंत्री, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हिंदुस्तान में सारे लोग रहते हैं किसी के लिए भी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो या ईसाई हो, तो इन लोगों के लिए इनको सबको जो है ना जोड़ के रखना चाहिए ना। भाई तुम इलेक्शन कर रहे हो तो अपने मुद्दों पर लड़ो, तुमने तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है, कितनी तुमने तालीम ली है, क्या काम कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग है, इन चीज़ों पर आदमी को जो है ना अपना वो करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो हमारा तो यही है कि कोई भी हो अच्छा काम करने वाला हो, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, हिंदुस्तान जो है तरक्की पे होना चाहिए, बजाय इनके के इधर दो आदमी लड़ रहे हैं उधर दो आदमी लड़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर वोट होना चाहिए, शिक्षा वगैरह स्वास्थ्य वगैरह, लेकिन अभी कुछ दिनों हमने पहले देखा कि जो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होगा इस बार चुनाव में। जो पूजा करने वाले हैं या नमाज पढ़ने वाले हैं वो इस किस्म की बातें करते नहीं हैं। पूजा या पाठ जो है वो इंसान का अपना निजी मामला होता है। भगवान को तुम याद करोगे तो भगवान के लिए भगवान तुम्हें याद करेगा। तो ये तो बेकार की सी बातें हैं कि जी आप दिखावट के लिए जो है, कोई भी आदमी अगर नमाज पढ़ लिया है या पूजा कर रहा है अपने लिए कर रहा है ना वो, या वो किसी को दे देगा उसका बेनिफिट तो वही लेगा। ये चीज़ें तो अलग हैं, इनसे तो लेना देना होता नहीं है किसी को भी कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं पूजा कर रहा हूँ। अरे भाई तेरा निजी मामला है, नमाज़ पढ़ेगा या पूजा करेगा तो उसका तो तुझे बेनिफिट ऊपर मिलेगा। तो ये तो सब बेकार की सी बात है। मेरा नाम अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है सर आपका? शकील अहमद खान। सर वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है सर, सीरियसली। अच्छा ये बताइए कि आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? अभी तो वोट किया नहीं, कुछ सोच के घर से निकले होंगे, 2019 में आपने वोट किया। अच्छा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, आइए यहाँ पर आइए, आप यहाँ आइए आइए। हाँ आपसे पहले बात करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप, क्या सोचा है आपने? जो है महंगाई, बच्चों की बेरोजगारी, और ये जो फिरका परस्ती देश में फैलाया जा रहा है, नफरत जो है,
इस पे वोट करें, यही मुद्दा है। फिरका परस्ती कैसे फैलाया जा रहा है, मतलब किसको देखते हुए आप ये बोल रहे हैं? अब हिंदू मुस्लिम इतने साल से देखो आप, हिंदू मुस्लिम हैं हम लोग, समाज में मिल के सब रोज से रहे इतने दिन से, सबका हिंदुस्तान है, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। चंद लोग जो है अपने वोट के खातिर, अपने कुर्सी के खातिर ये सब जो है बातें करते हैं और देश को जो है बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। महंगाई देखो आप चरम सीमा पे है, बेरोजगारी देखो, बच्चे पढ़ लिख करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है, मजदूर को सही से मजदूरी नहीं मिल रही है, और जितना मजदूरी मिलता है उसमें उसका घर नहीं चल रहा है, हर आदमी परेशान है। चंद लोग जो हैं बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग, उसी के लिए सरकार काम करती है और वही लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सारे लोग ये 10 साल में बहुत नीचे चले गए। आप कह रहे हैं कि इस पे जो जात धर्म है इस पर वोट नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, और हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब ये लोग जो नेता लोग हैं वो इसी पर वोट ही मांगते हैं। देखिए पहले तो 2-3 दिन बेरोजगारी और महंगाई की बात करेंगे और उसके बाद फिर कहने लगेंगे कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, दूसरी तरफ कहने लगेंगे कि हमने OBC आरक्षण ख़त्म कर दिया, फिर वो धर्म के मामले पर उतर आते हैं। क्या कहेंगे आप कि ऐसा करना कितना ठीक होता है? बिल्कुल, देखिए ये जो नेता लोग हैं ये तो सिर्फ अपने पार्टी, अपने वोट के लिए, अपने कुर्सी के लिए ये सब बात बोलते हैं, लेकिन हम आम आदमी जनता को ये सब बहकावे में नहीं आनी चाहिए, न जात पे न धर्म पे, बस देश की जो है ना तरक्की के लिए सोच करके अच्छे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, ये है। और ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखना चाहिए, और कभी भी हमको नेता और इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए आम जनता को, तभी देश जो है सुरक्षित रहेगा और देश जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, हमारे प्रधानमंत्री को आप कैसे देखते हैं, नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनका जो किरदार है ना वो अपने पार्टी और जाति धर्म इस पे वो बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री का किरदार नहीं है, उनको सबके लिए सोचना चाहिए। और ये सब भड़काऊ बात जो है ना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, नहीं समझा। चलिए आप पानी लाएं साथ में, आप पसीना बहुत निकल रहा है आपको, आप पोंछ लीजिए और पानी पी लीजिए, वोट कर दीजिए। अरे हम पिला देंगे, ऐसी की जैसा बात है, पानी तो बड़ा शबाब का काम है जी। क्या नाम हुआ जी आपका? नूर मोहम्मद। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। वोट कर दिया आपने? अब वोट मेरा यहाँ नहीं है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बार जब चलिए आप बिहार के रहने वाले हैं, शाहीन बाग में हैं, सब माहौल देख रहे हैं, कितने वक्त से शाहीन बाग में हैं? ये तो हम समझिए बचपने से दिल्ली में। अच्छा, इंदर लॉक से लेकर के शाहीन बाग से लेकर जामिया से लेकर के कुतुब मीनार और लाल किला पूरा को धाएंगे। हाँ हमारी उम्र जो है दिल्ली में कटी है। अरे तो वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लीजिए। अरे मेरे पास 4-4 वोटर कार्ड है। 4-4 का है इसलिए है कि पहले ज़माने में दूसरा था, उसके बाद दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ, उसके बाद मोदी जी आया, तो ये नहीं चलेगा वो चलेगा, तो 4 हुआ कि नहीं हुआ। हम गलत बोले सही बोले? सही बोले हैं, जो हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको पता भी नहीं, पता भी नहीं है। आपको जो हिस्ट्री दिल्ली का बताऊंगा वो आपको पता नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, हमें सिखाएं। दिल्ली कितनी जगह है, न्यू दिल्ली या पुरानी दिल्ली क्यों नाम पड़ा? थोड़ा सा घूम जाइए चाचा, बस थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए, बस बताइए, आप बताते रहिए। हाँ, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली क्यों पड़ा नाम? आप बताएंगे, हम क्यों बताएंगे, आप सब बताएंगे हमें, आप बुजुर्ग हैं। अब सरकार हमसे पूछिएगा ना? बिल्कुल पूछेंगे। आप जानते हैं तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और एक है वो तुर्कमान गेट। हाँ, ये 5 गेट था पहले। अच्छा। और यही पुरानी दिल्ली थी, इतनी दूर दिल्ली। अच्छा। अब 5ों में 12 बजे 1 बजे के बाद ताला लॉक हो जाता था। उसके बाद उस टाइम में राजा महाराज का जमाना था, अंग्रेज का था। हाँ, तो उस टाइम में उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली बढ़ी,
तब ये नई दिल्ली पुरानी दिल्ली। अब बताइए कि वोट के मुर्दे पर क्या कहना चाहते हैं। अब इस दिल्ली के बारे में इतना बता ही दिए तो एक बार और बता दीजिए, दिल्ली जब उतनी दूर थी तो शाहीन बाग कहाँ से आ गया? शाहीन बाग ये कूड़ा कबाड़ा। अच्छा, पहला हम बताते हैं, ये शाहीन बाग पहले का रेट 100 रुपया 50 रुपये गज, और उसके बाद चारों तरफ झुग्गी था। हाँ, ये लाइन पे आदमी, ये तो गड्ढा था, कूड़ा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदमी जो है ये प्लाट कटा, तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके, उस टाइम में वो कांग्रेस की हुकूमत थी, आदमी रेड़ी ठेली लगा करके कमाता था, खाता था। हाँ, आज है कि रेड़ी वाला को मारो भगाओ, वो कहाँ से खाएगा? हाँ, तो ये आबादी नहीं है, पुरानी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये जामिया, ओखला, जाकिर नगर और बोटला हाउस, यही चार था, बाकी सब तो वीरान था। चलिए, अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं आप बिहार में वोट डालते हैं, तो किन मुद्दों पर वोट डाला था आपने और क्या मुद्दे होने चाहिए? शाहीन बाग में भी आप रह रहे हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दा होना चाहिए आप पत्रकार। मुर्दा नहीं भाई, मुद्दा। मुद्दा तो हम इंग्लिश वाले नहीं हैं, अरबी फारसी उर्दू वाले। मुद्दा तो हिंदी है साहब, हिंदी भी जरूरी है। अब हम बताते हैं, आपको हर चीज़ का पता है, हैं? आपको हर चीज़ का पता है। क्या कहता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये करो, लड़के को पढ़ाओ और पढ़ लिख करके घास छिलवाओ, नौकरी कौन देगा? अरे हम तो डिग्री लेकर के बउआ रहे हैं, नौकरी कौन देगा? हैं मोदी जी, मोदी जी कहते हैं मस्जिद मंदिर, हाँ मदरसा गुरुद्वारा, ये कर दिया वो कर दिया, उससे पेट भरेगा? उससे पेट भरता है कि रोजगार से पेट भरता है? हाँ, रोजगार होगा तब ये ना पेट भरेगा। आज है करोड़ों लड़का डिग्री लेके भीख मांगता है, कितने की नौकरी मिलती है? कहीं पर जाता है 10,000 में करोगे, कहीं पर 15,000, कहीं पर 18,000, कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, उससे ज़्यादा है भी कोई भी बता दे कि उससे ज़्यादा कोई को तनख्वाह है? इतना डिग्री लेने के बाद हम किस हाल में, चाहे हिंदू का लड़का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई लड़का हो, सब बेकार बना हुआ। क्यों, क्या है साला? 200 रुपये तेल, 250 रुपये फलाना चीज़, और 500 रुपये फलाना चाहिए, उसको कौन देखेगा? आप पत्रकार हो, सिलेंडर 1200 रुपये बोलो। अरे सिलेंडर दिया, क्या कहते हैं कि हमने, सुनिए, हमने फ्री सिलेंडर इतना करोड़ का दे दिया, तो फ्री तो दे दिया, और गाड़ काटा कि 600 रुपये बिक रहा था तो 1200 रुपये कर दिया, तो फ्री कहाँ दिया? अरे सुनो, 1200 रुपये कर दिया तो हमसे तो सिलेंडर का पैसे ले लिया, लिया कि नहीं लिया? अरे हमारे कहने का मतलब कि एक लाख सिलेंडर दिया फ्री, और उसके बाद भर से एक महीने के बाद 1200 रुपया कर दिया, 600 रुपया मेरा गया। हाँ, 600 रुपये में हम खरीदारी किया, तो आप 600 रुपया हर महीने उसको दो, तो हमको घाटा पड़ा या महंगा पड़ा? कोई लकड़ी से बनाता था, कोई ओखला से बनाता था, बना करके काम करता था, अपना रोजी रोटी। अब 1200 रुपये का सिलेंडर का कहाँ से लाएगा? जो 1500, 1600, 1600, 1700, 1800, 1800, 20,000 कर कमाने वाला है वो सही से खाता है? 10,000 रूम का किराया दे दो, है कि नहीं है? आप भी पत्रकार हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, अब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए ना कि आप कितना कमाते हैं? 40,000 तो 50,000 रुपया तो आजकल के दौर में किसी को तनख्वाह नहीं देता, क्यों नहीं देता है? हमारे आपकी करतूत की वजह से, सरकार की वजह से, तो इसको बदलना ज़रूरी है कि नहीं है? और हम क्या बोल, और कोई हिस्ट्री पूछना है तो बताओ, मैं पूरे दिल्ली का बताऊं। आप इतना बोल के बहुत बड़ी बात है, जो आपने किया ना, कांग्रेस की देन है बीजेपी के लाने के लिए।
उसको बोला आ जा मोदी तू आ जा, क्योंकि बाद में इन लोगों ने कोई काम नहीं करना चाहते, इतना जितना सेल्समैन था यहाँ पे, उसको जा पास जाते थे गाली दे के भागाता था, ऐसा ऐसा भी आदमी था। इन्होंने ज़बरदस्ती उनको लाया, भाई तू आ जा, अब उन्होंने चौकीदारी करने आया, ऐसा झाड़ू लगा रहा है तुम लोगों को, नाना तक याद आ जाएगा। वोट कर दिया? हाँ वोट डाल दिया। कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दे क्या है यार, जो आर्थिक अवस्था है वो जो हालात है वही चीज़ है। आर्थिक इंसान का इकोनॉमिक अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, जब इकोनॉमिक अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ होगा? कुछ ऐसा नहीं होगा। रोज़गार नहीं है, दूसरी चीज़ है, रोज़गार है भी कितना, बच्चे सब गल्प में चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और वहाँ जाके गले मिल रहा है, पानी पी रहा है, सोने का पानी पी रहा है। अनपढ़ आदमी को लाया इन्होंने, जितना IAS ऑफिसर है चला रहा है ये, और अनपढ़ को बिठा दे। आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री को देखा जो एडवर्टाइजमेंट करते हुए? हमारे प्रधानमंत्री आया जियो का एडवर्टाइजमेंट करने लगे, तो ये सब हाल है, क्या करेंगे? देश में लोग बेरोज़गार हैं, कितना लोग सुसाइड कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? लोग अच्छा अच्छा बंदा है, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, क्या करेंगे? मजबूरी में नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? वो मुद्दा कर दिया आपने? मैं वोट डाल दिया। मेरा मुद्दा तो यही है भाई, तरक्की हो देश, तरक्की होगा सब आदमी खुशहाली रहेगा, जब देश तरक्की नहीं रहेगा सब रोएगा। बिल्कुल सही, कोई भी चीज़ तरक्की होना चाहिए, कोई भी आए यार, हमें इससे नहीं है BJP कांग्रेस, हमारे देश की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। वोट डाल के हमने, ये तो दुकानदारी करने आया यार, अरबों खरबों रुपए कमा के लेके गया। नोटबंदी के टाइम में लोग कितना ने परेशान किया है, कितना परेशानी करके नोटबंदी में आपने, नोटबंदी में क्या परेशानी हुआ लोगों को, अच्छा दिन कब आएगा भाई? चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? शोएब। शोएब भाई, वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल कर दिया। छोटी सी अपील बताइए। वोट ज़रूर दें, ये हक है, डेमोक्रेसी को बचाना है तो वोट देना बहुत कंपलसरी है। हम लोग ये चीज़ बहुत इजीली लेते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, छुट्टी मना रहे हैं आज के दिन, मगर हमें चाहिए कि अगर हमें डेमोक्रेसी में रहना है, ये फॉर्चुनेट टाइम है। असल में अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें तो हम कहीं राजा महाराजों से घिरे हुए थे, अभी ये फॉर्चुनेट टाइम मिला है, लगभग 80 साल का 75 साल का, इस फॉर्चुनेट टाइम में इसको फॉर्चुनेट ही रहने दें और डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप को प्रेफर ना करें, कोशिश करें कि बाहर निकलें और वोट करें। अब ये बता दीजिए कि आपके क्या इश्यूज़ थे वोट करने के लिए, जब वोट करने के? जी देखिए, ऐसा है कि इस देश ने आज तक कभी भी इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा, और प्राइम मिनिस्टर प्लस इतने झूठे जो इनके जो जितने भी इनके ये कहते हैं MPs हैं, MLA हैं, आप देखो सारे ही झूठे हैं, कोई भी सही नहीं बोलता बिल्कुल भी, कोई भी कभी भी आप देखोगे उन्हें कि सच नहीं बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे, मैनिपुलेटिव बोलेंगे, और ये मैनिपुलेशन को ही ख़त्म करना है हमें। बेसिकली हमें डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखना है, ये मोटी मोटी बात यही है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि भाई हम 400 पार लाएँ और डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दें या रिज़र्वेशन को ख़त्म कर दें, रिज़र्वेशन बहुत बड़ा इशू है, रिज़र्वेशन लोग समझ नहीं पाते कि भाई क्या कहते हैं औरतों को क्यों वो दे रखा है, भाई उनका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कब से प्रताड़ित थी, अब जाके उनको एक राइट मिलने लगा है, तो आपको उस राइट से प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो कि भाई फ्री का चाहिए, फ्री का नहीं है वो, इसके लिए थोड़ा सा एक इतना लिटरेसी की भी बहुत इशू है, और जितने जाहिल लोग होंगे जितना उसको मैनिपुलेट करना उतना आसान है, इसलिए चाहिए कि हमें थोड़ा लिटरेसी पे काम किया जाए। जो लिटरेसी को प्रेफर करते हैं, जो लोग पढ़ाई को प्रेफर करते हैं, स्कूल को प्रेफर करते हैं, उन लोगों को बेसिकली वोट दिया जाए, क्योंकि अगर हम देखें कि पीछे अभी एक डेटा है, अभी कम से कम कई हज़ार गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं, कई हज़ार, इवन ये दिल्ली पब्लिक स्कूल को ये गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा था कि आपने 18,000 रुपये पर मंथ का आप चार्ज कर रहे हो, 18,000 रुपये, और उसके साथ एक्सपेंस अगर हम लगाएं क्या कहते हैं उसका बस वगैरह का, तो अराउंड 25K बैठता है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो DBS ने क्या करा कि वहाँ पे कोर्ट में जाके अप्लाई कर दिया और वो स्टे लग गया उसके ऊपर, स्टे लगने के बाद अब वो डेट पे डेट चल रहा है। बट हम प्रेफर किस चीज़ को करते हैं, हम प्रेफर करते हैं जाहिलियत को, जाहिलियत में लोग मज़े ले रहे हैं, जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो मज़ा ले रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी की ज़िंदगी है, उससे बड़ी किसी को वो है नहीं,
मसला सिर्फ यही है लिटरेसी को प्रेफर किया जाए, एक बेहतर टाइम की वो करी जाए। अगर ये टाइम गुजर गया अब तो आदमी फिर एक बहुत बुरे हालात में चला जाएगा, तो उस हालात में जाने से बेहतर है कि वो अभी बेहतर डिसीजन ले, पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दे और इन सब चीज़ों को अवॉइड करे, बेसिकली झूठे लोगों से दूर बचे, फैक्ट चेक करे कम से कम। एज ए मुस्लिम, बींग ए मुस्लिम, मैं एक हदीस कोट करना चाहूँगा। हदीस में कहते हैं कि किसी भी बात को आपके झूठे होने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप किसी बात को बिना तहकीक किए उसको आगे बढ़ा दें, बिना स्टडी किए उसको आगे बढ़ा दें। तो हम क्या करते हैं, बात सुनी सामने से क्या कहा है कि भाई मंदिर तोड़ दिया गया, हम गाय डाल दी गई, बला बला बला, तो हम बिना सोचे समझे उसको आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो उसको स्टडी नहीं करते। तो बींग ए मुस्लिम, इस्लाम ये सिखाता है कि भाई आप उस चीज़ को स्टडी करो, और रिलीजन्स के लिए भी ये चीज़ चाहिए कि वो लोग पढ़ें और स्टडी करें बेसिकली। तो मेरा मोरल सिर्फ यही है, मोटी मोटी बात, कि झूठ को थोड़ा सा हटाना है और थोड़ा सच्चाई को आगे की तरफ लाना है, और बस यही है मोटा मोटा काम। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है औसाफ अली भाटी। वोट कर दिया आपने? वोट करने जा रहा हूँ भाई। किन मुद्दों पर वोट होने वाला है आपका? मुद्दों पर होने वाला है बेरोजगारी और रोजगारी, लोगों का धंधा नहीं है, नफरत है। नफरत और मोहब्बत का इलेक्शन हो रहा है ये। मोहब्बत को जिताएंगे, नफरत को हराएंगे इंशाल्लाह। तो ये नफरत का जो दुकान खोली है लोगों ने, अब पब्लिक की समझ में आ गया, इस नफरत की दुकान को ख़त्म करेंगे और भैया मोहब्बत की दुकान को खोलेंगे। अगर मोहब्बत देश में रहेगी तो देश तरक्की करेगा, देश में तानाशाही रहेगी देश तरक्की नहीं करेगा। देश को मोदी प्रधानमंत्री साहब 25 साल पीछे ले गए हमारे देश को। हाँ, ये नोटबंदी जो करी इसमें घपाले बहुत मामला ख़राब हुआ है। हिंदू मुस्लिम और कुछ है ही ना, इनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सारे देश को बेच डाला, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ बेच खाए। हिंदू मुस्लिम अब समझ में आ गई, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए तो ये इंसान बुरा है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, ये बुराई पे आ जाए तो इंसान बुरा है मेरे भाइयों। बस यही है कि अब नफरत को ख़त्म करना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। ये शाहीन बाग के पोलिंग बूथ पर थे हम लोग और तमाम लोगों से बात की। यहाँ पर अलग अलग शिक्षा को लेकर के भी लोगों ने बात की और लोगों ने कहा कि जो धर्म के प्रति राजनीति हो रही है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। इसके अलावा बोले कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहना चाहिए, मोहब्बत के लिए वोट होने चाहिए, नफरत के लिए वोट नहीं होने चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी लोग थोड़े बहुत नाराज़ दिखे, विपक्ष से भी थोड़े बहुत लोग नाराज़ दिखे। ओवरऑल जो कुछ भी होगा वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और इनकी जो बातें हैं, इनका जो मानना है, इनका जो सोचना है, वो ईवीएम में किस रूप में कैद हुआ है ये आज तो तय हो गया, मगर जो दिखाई पड़ेगा, जो निकल करके सामने आएगा, वो 4 जून को निकल करके सामने आएगा। ये तो मानना पड़ेगा कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, चाहे पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, कहीं की भी जनता हो पूरी समझदार हो चुकी है। ऊपर से अगर शाहीन बाग की जनता हो तो फिर क्या ही कहने। शाहीन बाग की जनता को आपने सुना उन लोगों ने क्या बोला। अब 4 जून को पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता ने क्या गुल खिलाया और किसे वोट दिया है, जब नई सरकार चुन करके आएगी या फिर नया सांसद चुन के आएगा। फिलहाल शाहीन बाग से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।